नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। टेमने में लाडले बहना योजना संबंधित ग्राम सभा का आयोजन। यूँ तो हर सरकार अपने राज्य या देश की जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजना का प्रारंभ करती है और आम जनता को उससे लाभ भी होता है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिला बहनों जो इस योजना के नियम के अंतर्गत आती है तो उन्हें हर माह 1000 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिलेगा। खैरलांजी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी के द्वारा आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत आम सभा का आयोजन किया गया। इस योजना में ग्राम के सरपंच नकुल प्रसाद लिल्हारी के द्वारा लाडली बहना योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। नकुल प्रसाद लिल्हारे सरपंच ग्राम पंचायत टेमनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्राम पंचायत टेमनी सरकार के सभी योजनाओं को साकार रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि ग्राम में किसी प्रकार की समस्या आती है तलती कोई भी ग्रामीण ग्राम पंचायत के कार्यालयीन समय में आग करके या दूरभाष पर मुझे सूचित करे ताकि ग्राम के नागरिकों की समस्या को आसानी से हल किया जा सके। कार्यक्रम में पंचायत के सभी सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस वाराणसी से अनुज माहुले के साथ संतोष रंगारी की रिपोर्ट। 2023 सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। आपके हाथों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्र सौंपते हुए मेरा मन प्रसन्न है। इस योजना के माध्यम से आप हर महीने आपके खाते में 1000 रुपए डाले जा रहे हैं। यह योजना मेरे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही बनाई है। पहले सशक्त होगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश भी सशक्त होगा। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत काल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आरंभ हुई। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।